आज हम आपको इकोनो टेस्टर बता रहे हैं। ये जो मारुति का इकोनो टेस्टर है, माइलेज टेस्टर है, तो ये पेट्रोल गाड़ी में अपन ने कनेक्ट किया है और इसको आइडल के ऊपर अपन एसी चला के देखेंगे कि कितना क्या फ्यूल कंजप्शन करता है। तो अपन ने इसको लगा दिया है। लगाने का सीधा सिस्टम है, जो मेन सप्लाई वाली जो कॉमन रेल वाली पाइप है वो उसको डिसकनेक्ट करके और आपको इसको जोड़ना है। और इसको कैसे जोड़ना है, इसके ऊपर तीर का निशान है, तो ये फ्लो का निशान है, इस तरफ से फ्लो होगा और इधर से निकलेगा। और बीच में ये फिल्टर है, ये फिल्टर भी पाइप के दूसरी साइड में लगा हुआ होता है, तो इसका ध्यान रखें, फिल्टर भी कनेक्ट रखें। और ये इसके अंदर जो इसकी केबल है, इसको इकोनो टेस्टर मीटर के अंदर जोड़ना पड़ता है और हमने इसको जोड़ दिया है। और पीछे आपको एक बार सेल चेक करने पड़ते हैं, सेल सारे उल्टे लगे हुए हैं, एक बार हम इनको सीधा कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं सेल सारे हमने सीधे लगा दिए हैं। ये हमने इसको ऑन किया है और ये चालू हो चुका है। इसके अंदर 7-8 फंक्शन हैं। अपना जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो टोटल काम आता है। तो अब हम इसको लेके गाड़ी के अंदर बैठेंगे और गाड़ी के अंदर बैठ के स्टार्ट करके देखेंगे क्या है। अरे एयर बैग क्लियर हो गए, हाँ कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब अपन देखिए दोस्तों, एसी 4 पे चालू किया हुआ है अपन ने, है ना, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, कितना फ्यूल कंजप्शन होता है वो अपने को ये बता देगा। ये गाड़ी अपनी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है, एसी चालू है। कितनी देर में खड़ी गाड़ी के अंदर में चलते हुए एसी में कितना फ्यूल कंजप्शन होता है, चालू करिए। एसी फुल नहीं हो रहा, कोई चालू कर दिया है इसको। अब देखते हैं अपन कितनी देर में कितना फ्यूल कंजप्शन होता है। गाड़ी अपनी स्टार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे आपको मिनट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये अपन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो उस हिसाब से अपन ने आपको लगाने का तरीका बता दिया है, इसको कैसे लगाना है, कनेक्ट कैसे करना है और चालू कैसे करना है। जो एक नंबर ऑप्शन आता है टोटल वाला, उसके ऊपर जाके आपको क्लिक करना होता है, वो अपन ने क्लिक कर दिया। गाड़ी का एसी वगैरह सारी चीज़ें ऑन है अपनी। अब देखते हैं अपन एसी के ऊपर कितना फ्यूल कंजप्शन होता है गाड़ी के अंदर, खड़ी गाड़ी में जब अपन एसी चलाते हैं तो कितना फ्यूल गाड़ी अपना पी रही है, मतलब कितना फ्यूल जल रहा है। इसको मैं अभी यहाँ स्टॉप करूँगा। देखिए 1 मिनट हो चुका है दोस्तों और करीबन 12 ml अपना पेट्रोल जल चुका है खड़ी गाड़ी के अंदर। ये कितनी देर में होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे हम। ये आइडल में विदाउट एसी 5:41-42 हो रहे हैं। इसके अंदर ये 52 ml इसने कंजम करा है। ठीक है, बंद कर दो। देखिए दोस्तों, इसके अंदर में अभी एसी चालू नहीं किया था अपन ने, केवल ब्लोअर फैन ऑन किया था। अब खड़ी गाड़ी के अंदर में मान लिया आपने 6 मिनट के अंदर में 53 ml पेट्रोल खर्च हो चुका है। अगर इसी जगह पे एसी चालू होता अपना तो ये जस्ट डबल हो जाता। जैसे अभी 6 मिनट के अंदर में अपने 50 ml खर्च हुआ है तो 6 मिनट के अंदर में उसमें 70-80 ml खर्च हो जाता। इतना फर्क पड़ता है खड़ी गाड़ी के अंदर में। और फिर लोग एवरेज की शिकायत लेके आते हैं, वैसे अभी गर्मी का मौसम है, हर आदमी एसी चालू करके गाड़ी को खड़ा ही करता है, करीबन 15-15 मिनट 20-20 मिनट निकल जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये गाड़ी में क्या एवरेज आएगा, क्या एवरेज मान के चले अपन। अगर गाड़ी आपकी खड़ी हुई है 100 ml के अंदर में, मैं कह रहा हूँ 8 मिनट के अंदर आपका 100 ml पेट्रोल खर्च हो जाएगा। 100 ml अगर एसी चालू है आपका तो 100 ml पेट्रोल आपका 8 मिनट के अंदर अंदर खर्च हो जाएगा। इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके बता दीजिए। देखो 100 ml 8 मिनट में 100 ml खर्च हो रहा है, मतलब यूँ समझ लो 1000 ml का 1 लीटर होता है। तो आप सडनली 10% खत्म हो गया बिल्कुल, तो अब माइलेज पर भी 10% का फर्क पड़ेगा। तो ये है, अब कैलकुलेशन आप जो भी पढ़े लिखे हैं वो अपने कैलकुलेटर से खुद कर लेगा कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या बैठेगा। और ये
सिर्फ खड़ी गाड़ी में जिसमें आइडल में चल रहा है उसके अंदर है, और अगर इसी को एसी में लगा के देखेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा आप। तो ये आज हमने आपको बताया है, इसको बिल्कुल समझे। और ये मारुति का इको टेस्टर बोलते हैं इसको, इकोनो टेस्टर है ये, शानदार टूल है। डीजल गाड़ी में भी लगा सकते हैं, पेट्रोल गाड़ी में भी लगा सकते हैं, लेकिन डीजल के लिए अलग सिस्टम है इसका, पेट्रोल में अलग सिस्टम है, और इको के लिए और भी अलग सिस्टम है। इको में लगाने के लिए आपको इसमें वैक्यूम लेवल भी सेट करना पड़ता है और फ्यूल का प्रेशर भी सेट करना पड़ता है, इसका गेज वेज सारी चीज आती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।